नमस्कार, द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। बरौनी नगर परिषद बरौनी के वार्ड संख्या 16 के पार्षद कविता कुमारी ने भेजा योजना प्रस्ताव। नवगठित बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में विकास एवं अपने वार्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड पार्षदों द्वारा अपने वार्ड के विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा है। नगर परिषद बरौनी के वार्ड संख्या 16 के पार्षद श्रीमती कविता कुमारी ने कुल 26 योजनाओं को प्रस्ताव कार्यपालक पदाधिकारी को भेजा है, जिसमें प्रमुख रूप से नाले का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, गरीबों के लिए आवास योजना, सड़क निर्माण, सीसीटीवी कैमरे, हाई मास्क लाइट, पुस्तकालय सहित कुल 26 प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृति हेतु भेजा गया है। बातचीत के दरमियान वार्ड पार्षद कविता कुमारी एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मनीष कुमार ने बताया कि हम 26 अति आवश्यक प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजे हैं। बजट सत्र के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा 21 मार्च को होगी। हम अपने स्तर से भेजे गए योजनाओं को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर क्या कहा। आप 16 नंबर वार्ड के प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद के, बताइए जो योजनाएं आपने 16 नंबर वार्ड के लिए बनाई है वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो साफ सफाई डस्टबिन के लिए दिए हैं, और 16 नंबर वार्ड में गड्ढा उगाही का बहुत बड़ा समस्या है, वो दिए हैं। लाइट, सीसीटीवी कैमरा, मंदिर सुंदरीकरण, ये सब दिए हैं। इंदिरा आवास, पीएम आवास बहुत नहीं मिला है, शौचालय बहुत आदमी को नहीं मिला है। इन सारी योजनाओं पर टोटल हमने 26 योजना दी है। जी बताइए, विकास की कौन सी योजनाएं आपने प्रस्ताव में दिया इस बजट के लिए? नंबर वार्ड से हमने 26 योजनाएं दी है, जिसमें नाला है, रोड है, गड्ढा हुआ है, लाइट वाइट और सीसीटीवी कैमरा, ऐसी बहुत सारी सोलह नंबर विकास के लिए जो जो जरूरी योजनाएं हैं नजर में रखते हुए हमने वो सब दिए हैं। और इसका बजट का मीटिंग कब प्रस्तावित है मैडम? आज ही है, 21 तारीख को। 21 तारीख को।